हेलो एवरीवन। तो टुडे वी विल बी सीइंग हाउ टू डू पार्शियल फ्रैक्शंस क्विकर फास्टर, क्योंकि जब कभी भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं हम लोग को टाइमिंग का क्रंच रहता है, तो पार्शियल फ्रैक्शंस कभी कभी इंटीग्रेशन में हमको यूज़ करने पड़ते हैं। तो वी विल सी कि अब इस तरीके का जो प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आ जाए तो इसको हम लोग कैसे फटाफट कर सकते हैं। डेफिनेटली एक सब्स्टिट्यूशन का तो यूज़ इसमें साथ में होगा। ये प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन के साथ साथ इंटीग्रेशन में जो सब्स्टिट्यूशन का मेथड सिखाया जाता है उसका भी यूज़ हो रहा है। ऊपर आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते हो बाय सब्स्टिट्यूटिंग साइन एक्स इक्वल्स टू टी। तो यू कैन वेरी कन्वीनियंटली से कि भाई इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से यू कैन से कॉस एक्स विल बी डी टी बाई डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स को यू कैन रिप्लेस बाई डी टी। योर प्रॉब्लम विल कन्वर्ट इंटू, न्यूमरेटर में तो डी टी हो जाएगा बट डिनोमिनेटर में तीन तीन आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, t+1, t+2 एंड t+3। अब अगर आप किसी तरीके से ये t+1, t+2, t+3 को तीन अलग अलग फ्रैक्शंस में स्प्लिट आउट कर सको तो ये प्रॉब्लम आपका बहुत ही कन्वीनियंटली सॉल्व हो जाएगा। ये स्प्लिटिंग ऑफ दिस फ्रैक्शन इंटू थ्री डिफरेंट फ्रैक्शंस इज कॉल्ड एज पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो आपको अगर एक फ्रैक्शन है 1/t+1, 1/ और इंटू t+2, t+3, तो डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि t+1, t+2, t+3 अगर तीन अलग अलग फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में होंगे तो उनका ही एलसीएम t+1, t+2, t+3 होगा। बट यू नीड टू नो व्हाट इज इन द न्यूमरेटर। डेफिनेटली अगर डिनोमिनेटर में t है तो न्यूमरेटर की पावर हमेशा डिनोमिनेटर की पावर से स्मॉलर रहनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर में t का पावर 1 है तो न्यूमरेटर में होना चाहिए टी का पावर 0। दैट मीन्स न्यूमरेटर में केवल एक कॉन्स्टेंट होना चाहिए, लेट से ए, दूसरे डिनोमिनेटर में लेट से बी एंड तीसरे डिनोमिनेटर में लेट से सी होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं, कुछ लोग एलसीएम लेके कोफिशियंट्स कलेक्ट करके कंपेयर करते हैं और एबीसी का वैल्यू बनाते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं एबीसी में, जो कि बहुत टीडियस जॉब हो जाता है और हमको एक फास्टर मेथड जानना होगा ताकि कॉम्पिटिशन में हमारा टाइम बचे। तो अगर आपको ए का वैल्यू फास्टेस्ट तरीके से निकालना है तो आप क्या करो, ए के जो डिनोमिनेटर में फैक्टर लिखा है t+1 उसको इक्वल टू 0 कर दो। अब उसको 0 करोगे तो यू विल गेट t=-1। वो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में डालने पर आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, बट क्योंकि आप t+1 को 0 कर रहे हो तो आपको t+1 को लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड करना पड़ेगा और रिमेनिंग पार्ट में ही आपको t=-1 डालना होगा। तो अगर आप t=-1 डालोगे तो ये 2-1 बन जाएगा 1 और सेकेंड वाला फैक्टर बन जाएगा 2, तो ए का वैल्यू हो गया 1/2। अब इसका लॉजिक क्या है, ठीक है, सिमिलरली अगर आप t=-2 डालोगे तो t+2 को हाइड कर लो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी, एंड अगर आप t=-3 डालोगे तो t+3 को हाइड कर लो तो यहाँ पर जब t की वैल्यू -3 डालोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। तो ये जो आपने फटाफट कर लिया इसका लॉजिक क्या है, ट्रिक तो हम समझ गए भाई क्या है, लेकिन कोई भी ट्रिक आपको समझनी है तो लॉजिक के साथ समझो, वरना वो ट्रिक रट्टाफिकेशन जैसी जरूर रहेगी और आप कन्फ्यूज हो सकते हो। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन लिखा हुआ था ना 1/t+1, t+2, t+3, उसको आप लोगों ने स्प्लिट किया था तीन फैक्टर्स में, a/t+1, b/t+2, c/t+3। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को ले जाके कम्प्लीटली राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 बचेगा, राइट हैंड साइड में t+1, t+1 फर्स्ट फैक्टर में कटेगा और यू विल बी लेफ्ट विद ओनली a(t+2) t+3। सिमिलरली b इंटू क्या बचेगा, अभी t+1, t+2, t+3 मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर में t+2 है, t+2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद b(t+1, t+3, एंड लास्ट वाले में t+3 ऑब्वियसली कैंसिल होगा एंड यू विल बी गेटिंग c(t+1, t+2। तो जो मैं आपको बता रहा था ना कि a का वैल्यू डायरेक्टली आपको मिल जाएगा अगर आप a का जो डिनोमिनेटर है t+1 उसको इक्वल टू 0 करते हो, तो आप खुद सोचो अगर आप t+1 को इक्वल टू 0 कर रहे हो तो t+1 आपका दो जगह पर है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये दोनों कम्प्लीटली 0 नहीं हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 1 है और a का जो कोफिशियंट है वो 2-1, 1 और 3-1, 2। देखो यहाँ से भी वही वैल्यू आ गई a=1/2। तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर आप समझ पा रहे हो। आप सिमिलरली t+2 को इक्वल टू 0 करोगे तो जहां जहां पे t+2 है, अब आप देखिए इस वाले में भी t+2 है राइट, और नेक्स्ट वाले में इसमें भी t+2 नहीं है, लास्ट वाले में t+2 है, तो जो b है ना उसका वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आप लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास 1 है और राइट हैंड साइड पे दो फैक्टर्स आपके बन गए 0,
ठीक है जी। और बी का कोफिशियंट आपका जीरो नहीं बन रहा है, बी का कोफिशियंट क्या आपने -2 डाला है ना, टी प्लस टू जीरो किया है, तो आपने एक तरीके से टी इक्वल टू -2 डाला है, -2 + 1 विल मेक -1 एंड 3 - 2 विल मेक 1, तो बी का वैल्यू फाइनली आपका आ जाएगा -1। तो दैट इज वॉट आई वॉज सेइंग कि आपको उतना सब करने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको जीरो करो और इधर टी प्लस टू को छुपा दो। अभी आपको सी निकालना है तो आप टी प्लस थ्री को जीरो करो, यानी टी इक्वल टू -3 आपको सब्सटीट्यूट करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे टी प्लस थ्री हाइड करो, -3 डालोगे तो -3 + 2 -1, -3 + 1 -2, -2 × -1 + 2 हो जाएगा, सी का वैल्यू +1/2 आएगा। अदरवाइज आप यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर आपने टी प्लस थ्री को इक्वल टू जीरो किया है तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 ही है, टी प्लस थ्री जीरो किया अगेन ए का कोफिशियंट जीरो हो गया, टी प्लस थ्री जीरो किया यानी बी का कोफिशियंट जीरो हो गया, सी के साथ में आपकी क्या वैल्यू आ गई -2 - 1, यू कैन कन्वीनियंटली से सी का वैल्यू 1/2 आ गया। तो अभी ए बी और सी अगर आपके पास तीनों आ चुके हैं, ए आ गया बी आ गया सी आ गया, तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, ठीक है जी, तो आपका ये फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शंस में रिड्यूस हो गया, यू कैन से 1/(t+1), t+2, t+3, ठीक है जी। क्या आ गया, ए बी और सी का वैल्यू आपने निकाला था पीछे, ए का वैल्यू 1/2, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू भी 1/2 है, तो यू कैन से कि आपका जो फ्रैक्शन है वो ए मीन्स 1/(2 × t+1), बी आपका -1 आया था -1/(t+2), एंड सी अगेन आपका 1/2 ही आया था, तो 1/2 × t+3 आ गया। तो द मोमेंट आपने ए बी और सी का वैल्यू फास्टर तरीके से निकाल लिया, तो आप इस पूरे फ्रैक्शन को आपने पार्शियल फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, 1/(t) का इंटीग्रेशन होता है ln t, तो वो यूज़ करके आप इस सवाल का इंटीग्रेशन का रिजल्ट निकाल सकते हो। लास्टली आपको t का वैल्यू sin x सब्सटीट्यूट करना है, तो 1/(t+1) dt -1/(t+2) dt +1/2 कांस्टेंट है आप बाहर लिख सकते हो, एंड आपका इंटीग्रल सॉल्व हो चुका है, 1/(2 × ln t+1) मॉड -ln t+2 मॉड +1/2 ln t+3 मॉड प्लस डेफिनेटली इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी विल आल्सो बी एडेड। नाउ यू नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ टी इक्वल्स टू साइन एक्स टू गेट द फाइनल आंसर, 1/(2 ln sin x+1) -ln sin x+2 +1/2 ln sin x+3। तो इंटीग्रेशन करना, सब्स्टिट्यूशन का उसमें कभी कभी यूज होना, ये सब तो साथ में अकम्पेंड रहेंगे ही, बट अगर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाए जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर भी हो, तो भी क्या हम लोग ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, वी विल एक्सप्लोर इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ।